गीता में भगवान कहते हैं, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वपन अभोदस्य योग भावति दुःखहा। अर्थात युक्त आहार, भोजन लेने के कुछ नियम हैं, कब खाना है, क्या खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है, किस प्रकार तैयार करके खाना है, किस प्रकार मिलान करके खाना है, इसके कुछ नियम हैं। युक्त आहार विहारस्य, समाज में रहने के कुछ नियम हैं। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, काम करने के कुछ नियम हैं। युक्त स्वपन अभोदस्य, सोने के जागने के कुछ नियम हैं, कब सोना है, कितना सोना है और कब जागना है। जो व्यक्ति इन नियमों का पालन करेगा उसे दुख अर्थात रोग आ नहीं सकता। हम घर को चलाने के लिए नियमों का पालन करते हैं, ऑफिस को चलाने के लिए नियमों का पालन करते हैं, गाड़ी को चलाने के लिए नियमों का पालन करते हैं, शरीर को चलाने के लिए हम नियमों का पालन करते हैं क्या? जरा सोचिए, हमारा घर, ऑफिस, गाड़ी सब सही चलते हैं और शरीर सोया सोया ही रह जाता है, क्योंकि हम इसको चलाने के लिए नियमों का पालन नहीं करते हैं। हमारा यह प्रोग्राम औषधि विहीन है, इसमें किसी भी किस्म की औषधि बेचने का स्थान नहीं है, ये नियमों पे आधारित है, ये हमारे सभी भारतीय ग्रंथों पे आधारित है, हमारे सभी धर्मों में, हमारे सभी ग्रंथों में, गीता में, रामायण में, उपनिषदों में, श्री गुरु ग्रंथ साहब में शरीर को स्वस्थ रखने की विद्या पूरी तरह मौजूद है, बताई गई है। दुर्भाग्य से हमने अपने ग्रंथों से आत्मा परमात्मा के बारे में जाना, शरीर के बारे में हम अपने धर्म से, अपने ग्रंथों से लाभ नहीं ले पाए हैं। मेरे गुरुदेव ब्रह्मलीन आचार्य शेषाद्री स्वामी नाथन जी, जो आजीवन ब्रह्मचारी रहे, अपना पूरा जीवन इस काम के लिए लगाया, ये ज्ञान घर घर तक जाना चाहिए, कोई भी व्यक्ति रोगी नहीं होना चाहिए और ये ज्ञान निःशुल्क जाना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को मुफ्त में मिलना चाहिए। पूरा प्रोग्राम हमारे शास्त्रों पे आधारित है, आप
इसके बारे में पूरी जानकारी सहित बिना दवाइयों के स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। पहले आपसे बात हो चुकी है रोग का कारण। रोग का कारण शरीर के अंदर टॉक्सिन्स, विजातीय द्रव, फॉरेन मैटर, गंदगी का रहना। नाम कोई भी रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहली बात। दूसरी बात जो आपसे कर चुके हैं हम, रोग क्या है? शुद्धिकरण, शरीर की सफाई ही रोग है। नजला जुकाम, उल्टी, दस्त, बुखार द्वारा 2-3 महीने में एक दफ़ा शरीर अपनी सफाई करना चाहता है। जब हम उस सफाई में रुकावट डालते हैं, सफाई को होने नहीं देते, उसी अंदर पड़ी गंदगी की वजह से हम और रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। अगर हम उस सफाई को होने दें तो नजला जुकाम, उल्टी, दस्त, बुखार, जो हम बचपन में अपने जन्म के साथ इन रोगों को साथ लेकर आए थे, जीवन भर, उम्र कोई भी हो, यही रोग होगा, इसके अलावा दूसरा कोई रोग नहीं होगा। अगर घर में रोज की गंदगी रोज बाहर निकलती रहे तो घर के अंदर गंदगी ज़्यादा नहीं बढ़ सकती और कोई भयंकर समस्या नहीं आ सकती। शरीर की जो वेस्ट गंदगी 4 रास्तों के द्वारा बाहर निकलती है, पेशाब का, पाखाने का, पसीने का और श्वास का, जब कुछ गलतियों की वजह से वो नहीं निकल पाती, फिर शरीर हमारे अंदर से ऑटोमेटिक प्रबंध 2-4 महीने में एक दफ़ा हमारी वो गलतियों को क्षमा करना चाहता है। देखिए कितना बड़ा हमें वरदान मिला है कि शरीर चाहता है, हमारे अंदर वाले वैद्यनाथ चाहते हैं वे कोई बात नहीं, अगर गलती हो भी गई, अब नजला जुकाम, उल्टी, दस्त, बुखार के द्वारा 1-2 दिन में इसको बिना दवाई के ठीक कर लीजिए, इस गंदगी को बाहर निकलने दीजिए। जब हम उसको अंदर बंद करते हैं, उसी की वजह से जितने रोगों की अभी हम सब बात करेंगे वो सब आते हैं। ये हमारी दूसरी बात है। तीसरी बात है, हमने जाना कि रोग का कारण तो गंदगी का रहना है, हमने जाना कि रोग तो शरीर की सफाई की प्रक्रिया है, रोग से डरने की जरूरत नहीं, तो फिर ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? पहले हम बात कर चुके हैं थोड़ा, आज थोड़ा और विस्तार से बात करेंगे ट्रीटमेंट के ऊपर। ट्रीटमेंट, उपचार, शारीरिक एवं मानसिक आराम, शरीर के आंतरिक अंगों को प्रकृति के 5 तत्वों द्वारा और मन को सद्गुणों द्वारा आराम देने का प्रयास ही इलाज है। व्हाट इज द ट्रीटमेंट? ट्रीटमेंट, फिजिकल एंड मेंटल रेस्ट, टू गिव फिजियोलॉजिकल रेस्ट बाय द 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर एंड मेंटल रेस्ट थ्रू इथिकल एंड मॉरल वैल्यूज। थोड़ा सा यहाँ बात समझ में नहीं लगती कि शरीर को आराम देने से शरीर का इलाज कैसे होगा। हम गाड़ियों के साथ रहते हैं, हम मशीनों के साथ रहते हैं, आधुनिक युग में गाड़ियों के साथ रहते रहते हम अपने शरीर को गाड़ी की तरह चलाने लग गए। वास्तव में मानव देह गाड़ी नहीं है, ये ट्रिपल यूनिटी है, बॉडी, माइंड एंड सोल, शरीर, मन और आत्मा। गाड़ी के अंदर मन और आत्मा नहीं होते, गाड़ी अपने आप छोटे से बड़ी नहीं हो सकती, गाड़ी अपने जैसी दूसरी गाड़ी पैदा नहीं कर सकती, गाड़ी के अंदर
अगर कोई खराबी आ जाए तो अपने आप ठीक नहीं कर सकती, गाड़ी सोच नहीं सकती, गाड़ी समझ नहीं सकती, गाड़ी बदल नहीं सकती। शरीर इसके बिल्कुल विपरीत है, ये गाड़ी नहीं है, हम इसको चलाते हैं गाड़ी की तरह। शरीर अपने आप छोटे से बड़ा होता है, शरीर अपने जैसे एक नहीं अनेक पैदा कर सकता है। अगर हमारी गाड़ी में खराबी आ जाए, हम कहते हैं कंपनी वालों को दिखाओ, जिस निर्माता ने इस गाड़ी को बनाया है उससे बढ़िया मरम्मत इस गाड़ी की कोई नहीं कर सकता। शरीर स्वयं निर्माता है, इसका निर्माता इसके अंदर विराजमान है। रोग आने पर हम बाहर वाले वैद्यों की सहायता लेते हैं, अंदर वाले वैद्यनाथ के पास नहीं जाते, इसी कारण से जीवन भर दवाई खानी पड़ती है, रोग नहीं जाता। मैंने कहा गाड़ी के अंदर अगर कोई खराबी आ जाए तो अपने आप ठीक नहीं कर सकती, मगर शरीर के अंदर अगर कोई रोग आ जाए ये अपने आप ठीक कर सकता है, इसके अंदर हीलिंग पावर है, रोग निवारक शक्ति इसके अंदर मौजूद है। अगर हमारी हड्डी टूट जाए, हम फ्रैक्चर होने पर प्लास्टर लगवाते हैं, प्लास्टर लगाने से हड्डी नहीं जुड़ती, वो हड्डी को प्लास्टर आराम देता है एक विशेष जगह पर, उसके बाद हड्डी अंदर से हमारी हीलिंग पावर जोड़ती है, हमारी रोग निवारक शक्ति उस हड्डी को जोड़ती है। इसी बात से हम आगे बढ़ेंगे। हमने देखा कि हड्डी को आराम देने से हड्डी तो अपने आप जुड़ गई, जब इतनी मजबूत हड्डी, ये भी बताने की शरीर को जरूरत नहीं पड़ती कि कौन सी हड्डी टूटी है इसको जोड़ दीजिए, और हड्डी को कोई दवाई भी नहीं जोड़ पाती। जब इतनी मजबूत हड्डी को आराम देने से हड्डी जुड़ जाती है तो फिर बाकी रोग ठीक क्यों नहीं हो सकते। जितने भी हमारे अधिकतर रोग हैं वो हमारे शरीर के अंगों की हमारे प्रति शिकायत है। जैसे हम अपने ऑफिस में या घर में नौकरों से जो हमारे अधीन काम करते हैं या तो गलत काम लेते हैं, जो काम जिसका नहीं है उस कंप्यूटर चलाने वाले को बोलते हैं झाड़ू लगाओ, गलत काम लेते हैं, या हम जरूरत से ज़्यादा काम लेते हैं, तो हमारे वो काम करने वाले हमारे प्रति शिकायत करते हैं कि या तो हमें आराम दे दो, या तो हमारे से काम कर लेने का तरीका ठीक कर लो, या हम आपको छोड़ के जाने के लिए तैयार हैं। ठीक ऐसे ही जब हम अपने शरीर के अंगों से या तो गलत काम लेते हैं या अधिक काम लेते हैं, तो हमारे शरीर के अंग किसी ना किसी दिक्कत के द्वारा, जिसका नाम हम दर्द भी रख सकते हैं, जिसका नाम हम कोई रोग भी रख सकते हैं, हमें ये कहना चाहते हैं कि आप मेरे से गलत या अधिक काम ले रहे हो। जैसे कि अगर मैं बोलना चाहूँ, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बोला जा सकता है, संक्षेप में थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हम भोजन लेते हैं, मिर्च मसाले वाला भोजन लेते हैं, हलवाई का बना हुआ, शादियों का भोजन, रेस्टोरेंट का भोजन, होटल का भोजन लेते हैं, वो मसाले ज़्यादा डाल के बनाया जाता है ताकि आपको स्वादिष्ट लगे और आप वहाँ बार बार जाते रहो। जैसे ही हम उस भोजन को लेते हैं, बाज़ार से छोले भटूरे खाते हैं, समोसा खाते हैं, तुरंत हमारे मुंह के अंदर कुछ तकलीफ होती है,
हम सी सी करके तकलीफ महसूस करते हैं, जिसका दूसरा नाम स्वाद रखा जाता है, तथा कथित स्वाद। खरबूजा भी स्वाद होता है, उसमें सी सी करने की जरूरत नहीं, उसमें बाद में साथ साथ पानी पीने की जरूरत नहीं। तरबूज का भी अपना एक स्वाद होता है, मगर वो जो तथा कथित स्वाद है उसको हम तकलीफ के साथ खाते हैं, और फिर उस भोजन को पचाने के लिए नहीं, निगलने के लिए पानी की सहायता लेते हैं कि किसी ना तरीके से जान बच जाए और ये भोजन अंदर चला जाए, साथ साथ थोड़ा थोड़ा पानी भी पीते रहते हैं। तो हमारा यहाँ का जो हमारा अंदर का जो मुंह है, हमारा मुख जे हमें कहना चाहता है कि आप मेरे को बहुत तंग कर रहे हो, हमारी जिह्वा हमें ये कहना चाहती है कि आप मेरे से गलत काम ले रहे हो, मगर हम उसका उसको स्वाद समझ लेते हैं, फिर वो भोजन अंदर चला जाता है। जरा विचार कीजिए, सोचिए कि जो हमारे यहाँ मुंह के अंदर की म्यूकस मेम्ब्रेंस है, जो श्लेष्मा झिल्ली है, ये ज़्यादा नाजुक है या इसके अंदर वाली ज़्यादा नाजुक है, बताइए? ये ज़्यादा नाजुक है या इसके अंदर वाली ज़्यादा नाजुक है, बताइए? अंदर वाली ज़्यादा नाजुक है। शरीर की रचना उस परम पिता परमेश्वर की तरफ से ऐसी की गई है कि हम कितने भी नकम्मे हों, हम कितना ही गलतियां करें, फिर भी वो बनाने वाले इस शरीर को हमें किसी ना किसी तरीके से इस पृथ्वी के ऊपर रखना चाहते हैं अधिक से अधिक समय के लिए। नेचुरल लाइफस्टाइल द्वारा 4 डेज प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट कोर्स बी योर ओन डॉक्टर का आयोजन किया जाता है, जिसमें आप इस जीवन शैली को अपनाकर अपने अधिकतर रोगों से मुक्त हो सकते हैं और इसका आश्चर्यचकित लाभ केवल 4 दिनों में ही अनुभव कर सकते हैं। इसलिए अपने लिए निकालिए जीवन के केवल 4 दिन। कोर्स की विशेषताएं: आचार्य श्री मोहन गुप्ता जी और नेचुरल लाइफस्टाइल की टीम के साथ रहने का मौका, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में प्राकृतिक रूप से तैयार किए गए भोजन का रसास्वादन, टोना, पट्टी, स्पाइनल टब बात, सन बात, प्राणायाम इत्यादि का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, रिलेशनशिप काउंसलिंग द्वारा तनाव मुक्त एवं प्रसन्न चित्त जीवन। रजिस्ट्रेशन हेतु संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए हमारे पुस्तकों इत्यादि का अध्ययन करें एवं परामर्श हेतु प्रत्येक रविवार प्रातः 7 बजे से 10 बजे तक हमारी निशुल्क कक्षा में भाग लें। निशुल्क शिविरों के आयोजन करवाने हेतु एवं अन्य सामग्री, पेट की पट्टी, DVD, MP3, एनिमा, स्पाइनल बाथ टब इत्यादि के लिए संपर्क करें। हमारा पता है नेचुरल लाइफस्टाइल, H32/22, Sector 3, रोहिणी, नियर विश्राम चौक, दिल्ली 110085। हमारे फोन नंबर हैं 011-2751-0771, 09953722272।